छुट्टी आना हूं कि मामा जी मैं भर्ती होना फौज के विच ते मैं कहना भी बिल्कुल सही गल है। और उदों तो ही ये पढ़ते टाइम पर ही ये साथों आपके डैडी तो भरा तो मेरे तो मोटिवेट होकर फौज के जाना चाहता सी और खुशी खुशी फौज के गया। मानयोग मुख्यमंत्री साहब जिहड़ा इन्ना फौज का मान सन्मान करते हैं उन्होंने जिहड़ी मैं स्पीच सुनी मैं रोज़ सुनता दो दो तीन तीन वारी सुनता वा। उन्होंने कहा वा फौजी रब का है दूजा ना लगे मेरे वीर वर्गा। असी समय कपूरथला के पिंड तलवंडी माना च खड़े हाँ जिथे एक बहुत ही दुखद खबर है जिस खबर ने पूरे देश को ही झंझोड़ के रख दिता है। इतों का जीसीओ जसविंदर सिंह जो दुश्मनों के नाल लोहा लेंदे हुए शहीदी प्राप्त कर गए ने पिंड दे विच काफ़ी सन्नाटा पसरिया होया सी। गलबात करांगे कोशिश करते हैं कि परिवार के नाल उन्हां दा की सी जिंदगी का सुपना जां किवें किवें उह भर्ती होए ने क्योंकि दसया जा रहा है कि जसविंदर सिंह जो शहीद ने उन्हां दा पूरा परिवार उन्हां दे रिश्तेदार भी जिहड़े आ उह आर्मी दे नाल जुड़े हुए ने। उन्हां दे फादर जिन्हां दी 2 महीने पहला ही कोरोना के कारण मौत हो गई सी वह भी कैप्टन रिटायर आए ने आर्मी चों। उन्हां दे ब्रदर वड्डे वह भी आर्मी दे विच ने मामा जी आर्मी च ने अगे उन्हां दे होर रिश्तेदार जिहड़े मासी दे लड़के वह भी आर्मी दे विच ने। तकरीबन सारा परिवार ही जिहड़ा आ उह देश दी सेवा दे लई देश दी रक्षा दे लई सरहदां दे उपर तैनात है। पर की हुंदा है बीते दिन जो पुंछ दे विच पाकिस्तानियां जो अतवादी दे नाल लोहा लेंदे हुए शहीद होए ने पंजाब दे 3 ने ते देश दे जिहड़े आ 5 जवान शहीद होए ने। तां मेरे नाल जसविंदर सिंह दे मामा जी ने ये भी आर्मी चों ही आर्मी दे विच हिस्सा सी। तां गलबात करदे आ सर की नाम है जी तुहाडा पहला और तुसीं किहड़ी यूनिट दे विच सी? मेरा नाम जी सुबदार गुरनरविंदर सिंह है। मैं बतौर सुबदार रिटायर्ड होया सिख रेजिमेंट दे विचों हाल ही 2014 च रिटायर्ड होके मैं आया वहाँ। अच्छा जसविंदर का जदों पता लग्या तुहानू किवें लग्या सी पता जां उपरों फोन आया किसी का जां किवें तुहानू दस्सिया गया? मैं कल जिहड़ा मेरा पिंड वा मैं तरनतारन डिस्ट्रिक्ट तहसील पट्टी पिंड सबरा तों बिलोंग करदा वा। मैं किसी आपदे सरकारी काम डिस्ट्रिक्ट दे विच गया सी तरनतारन जदों मेरे वड्डे भाणजे ने मैनूं फोन कीता वा भी भाणा इह वरत गया वा क्योंकि मैं अज भी घर दे विच भी मैं दोवां परिवारां तिन्नां 'च मैं सीनियर मोस्ट बंदा वा। साडे जीजा जी सी सीनियर मेथों वो कुछ 5 महीने पहला दुनिया छड़ के चले गए और जदों मैनू मैं तरन तारण सी मैनू मेरे भाणजे ने फोन किया तो तुहानूं पता ही है कि जिहड़ा ये सदमा ना सहारण योग हुंदा वा। उदों मेरे पैरां थलों जमीन निकली मैं आपदे अपने आप नूं संभलदा समाउंदा मैं पिंड पहुँचिया वा। पिंडों मैं उस वेले आपदी गड्डी लै के तो परिवार को लै के मैं इन्हां कोले पहुँच गया वा कोई 1 बजे। उस तों बाद मैं हुण तक अजे इस परिवार दे नाल खड़ा वा। तो जे मैं गल करां इस बच्चे की जसविंदर की इस परिवार की जो इन्हां दे डैडी जी सी वह भी बड़े मेहनती सी कैप्टन रैंक के रिटायर्ड होके आए थे और जिहड़े इन्हां दे वड्डे ब्रदर आ रजिंदर सिंह वह भी हौलदार रैंक के रिटायर्ड होके आए आ। सब तो वड्डी गल कि जिहड़े इन्हां दी जीजा जी आ वह भी उस यूनिट के हौलदार रिटायर्ड होके आए आ। कहण दा मुद्दा यह आ कि जिहड़ा 4 बंदे सी एक ही यूनिट के नौकरी की आ और जिहदे विच जसविंदर सिंह हाल ही नौकरी कर रहे सी। अगर मैं जसविंदर सिंह बारे गल करां ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। अगर खुशी नाल फौज दे विच गया सी तां इन्हां जा के शुरुआती ही बहादरी नाल कीता। पहले टर्नओवर दे विच जदों जिंड के गया वा उदों इहदी थोड़ी नौकरी सी उदों इहनूं इंडियन आर्मी ने गौरव इंडिया ने इहनूं सेना मैडल दे के नवाजिया सी और उस तों बाद इहने जिहड़ियां बहादरियां दे जाणियां लैणा लातियां इहदे कोल 2 रिकमेंडेशन वी आ।
और अज भी फिर उस तो बाद इन्होंने इंडियन आर्मी ने और इंडिया गवर्नमेंट ने इन्हों नायब सूबेदार रैंक दे के नवाजा सी 2 साल पहला और हुण ये सैकंड टर्नओवर दे विच जे एंड के दे विच आपदी ड्यूटी करन गया सी जिहदे इस विच ड्यूटी करदिआं दीवान ने ये जिहड़ा वा ये देश वास्ते आपदी मिट्टी वास्ते आपदी ड्यूटी निभाउंदिआं आपदा कम करदिआं आपदा कर्तव्य निभाउंदिआं आ ये आपदा आ शहीदी दा जाम पी गए आ और जिहड़ी कहिंदे आ कि हर नागरिक नूं देश दे कम आउणा चाहीदा वा वो अज इन्होंने करके विखाता वा देश का नागरिक देश के काम आया वा देश का फौजी सरहदा की राखी करता है आपकी देश की राखी करता है आपकी शहादत का जाम पी गया कुरबानी दे दी गई है जिस विच मैं अज जिन्ना भी पत्रकार भाईचारा वा उन्होंने साबित किया कि अं शहीद परिवार के नाल पिंड वासियों ने साबित किया कि अं शहीद परिवार के नाल ये जिहड़ा देख के जिथे इन्ना साढ़े घर का मूँह मुद्दा हो गया वा जो मैं ये वेना वा मैं एक माण भी महसूस करता वा कि इस बच्चे साढ़े ने जिहड़ा वा जन्म लैके आपदी जिहड़ी माँ की कुख का जिहड़ा वा वह इज्जत वधाई आ आपदी माँ का दुध की इज्जत वधाई आ आपदे पिंड का नाम रोशन किया वा जिहड़ा काटा पैना सीगा वह तो बहुत वड्डा करन पिया वा छोटे बच्चे आ एक बच्ची आ 6 साल की बच्चा वा 11 साल का जिहड़ा उन्हां दा हुण जीवन किवें बतीत होना वा किस तरह होना वा ये अगे परमात्मा नूं पता माता जी भी जसविंदर दे वह भी कितने कितने थोड़ा सेहत पक्खों बीमार ने तां परिवार दे विच की दस्या गया उन्हां बारे बिल्कुल जी मैं जदों तों मैं पहलां दस्या वा कि मैं कल दा इन्हां कोल आ गया और इस कारण मैं कंट्रोल करन डिया वा ये हजे तक असी डिकलेयर नहीं किया सुझ सब कुछ जाता माँ को सुझ जाता करदियां नूं सुझ जाता भैन भरावां नूं सुझ जाता भावें कि असी नहीं उन्होंने दस्या गल छुपा के रखी गई है क्योंकि भैन साडी दी जिहड़ी तबीयत खराब आ ते जिहड़ी बहू राणी दा हालत जिहड़ी होनी आ किस तरह होनी आ आपां सारे गृहस्थी आपां नूं पता वा कि जिन्हां चिर डैड बॉडी नहीं आउंदी अगर पहलां पता लग गया तो की हालत होऊ और कईआं दे घरां च पता लगा ही आपां तस्वीरां वेखण डए आ उन्हां दे घरां च की हालत बनी पई आ ये हजे तक ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ अगर मैं फौजी ना होंदा तो शायद हो सकता कि मैं भी माइक दे गिल ना बोल पाउंदा मेरा भी मन भरदा मेरा जिहड़ा मन वा अंदरों भरिया पिया वा मेरा सीना भरिया पिया क्योंकि साडा बच्चा अज घर नूं छड्ड के गया वा देश नूं छड्ड के गया आपदी फौज नूं छड्ड के गया जिन्हां साथियों दे नाल ओह खाणा खाधा सी जिन्हां कमांडरां दे नाल ओह रहिंदा सी जिन्हां कमांडरां दा ओह अग सी जिन्हां कमांडरां दा ओह लहू सी जिहड़ी सैना दा लहू सी जिन्हां दा ओह भरा सी जिहड़े कमांडरां दा ओह बच्चा सी ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜੋ ਘਾਟਾ ਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਡੀ ਆ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਲੂਟ ਆ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ
देश वा, इस फौज के सिर ते देश आ, ते परिवार जिहड़ा इन्हां सरकारां दे उत्ते आ, परिवार जिहड़े आ जिहड़े शहादत पा जांदे आ, जिहड़ी कुरबानी पा जांदे आ, उन्हां दा जिहड़ा परिवार आ उह सरकार दे सारे आसरे जींदा वा और सरकार तों उम्मीदां रखदा वा। चलो देखे जाए तो हुण जो घाटा पैना सी परिवार नूं हो गया, देश दे नाम एक होर जिहड़ा आ शहीद दा जिहड़ा आ मनका जिहड़ा उह पा दित्ता गया माला दे विच, जो रीत चली आई है शुरू तो ही, क्योंकि जवान जो बनता उन्होंने पहले ही सिखाया जाता सब तो पहला तेरा धर्म है कि देश की राखी, उस तो बाद परिवार। तुसी हुण सब तो वड्डा चैलेंज है परिवार के लिए, बच्चों छोटे छोटे बच्चे ने उन्होंने पालना, सरकार तो तुसी की मांग करते हो जो बच्चे ने घर दे विच? मैं पहला पत्रकार भाईचारे नाल गल करदा वा कि साढ़े जिहड़े सीएम सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने, मैं थोड़े दिन हो गए उन्हों का मैं एक स्पीच सुनी और मैं आपके फोन दे विच फीड करके रखी आ, मैं रोज़ एक बारी सुनदा वा, मैनू बड़ा चंगा लगा कि साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री साहब जिहड़ा इन्ना फौज का मान सन्मान करते आ, उन्होंने जिहड़े मैं स्पीच सुनी आ मैं रोज़ सुनदा, दो दो तीन तीन बारी सुनदा वा। उन्होंने कहा वा फौजी रब दा है दूजा ना लगे मेरे वीर वर्गा, अगर साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री इन्ना फौज ना प्यार करते, इन्ना फौज का सन्मान करते आ, तो वो जरूर आ के इस परिवार को ग्राउंड पर वेखणगे और जिहड़ा अनाउंस किया वा वह जरूर देणगे, मैनूं मुख्यमंत्री साहब पर पक्का विश्वास आ और मैं ये वादे ना कहना वा कि वह जिहड़ा वा वह जो ऐलान किया वा वह परिवार के कोल जरूर एक बार आउणगे, भावें लेट ही आउण, क्योंकि मैं समझदा वा कि उन्हां कोल अहुदा वड्डा वा, रैंक वड्डा वा, जिम्मेवारी आ, कई बार हो सकता कि वह इस दुख की घड़ी के ना आ सकन, लेकिन बाद विच जरूर वो मैं पता वा कि जो अनाउंस किया वह करनगे। लेकिन नाल मैनू यह भी दुख भी महसूस हो रहा वा कि इस इलाके के जिहड़े विधायक साहब ने बड़े मानयोग ने, बड़े शुद्धता वाले बंदे ने, बड़े स्याणे बंदे, बुद्धिमान बंदे ने, वह भी हजे तक इस परिवार को नहीं आए। और इतों के एक बीबी जगीर कौर जी आ, उन्होंने भी मीडिया के एक सोशल मीडिया के रोस प्रगट किया वा, लेकिन नहीं लागे पिंड 2 किलोमीटर से उन्हों का, इन बंद परिवार के नाल आके खड़ा होना चाहिए सी, जिस तरह मीडिया, हाँ जिस तरह के मीडिया मीडिया भाईचारा आके इन्हों के घर बैठा इन्हें वासा लैन दिया वा, मीडिया जरा वा बेचारा भाईचारा जरा इन्होंने कुछ देना तो नहीं उन्होंने, लेकिन इन्ना ही बड़ा वा जिहड़े इंसान दे कोले आण के दुख की घड़ी दे विच खलो जाना ही काफ़ी हुंदा वा, भावें उसनूं ना ही कुछ दिता जाए। सर जिदा शहादत परिवार दे विचों गई है तो असी सिर झुका के नतमस्तक करते हैं और देश भी इस दे उपर माण महसूस करता, हालांकि जो परिवार नूं घाटा पिया वह कदी भी पूरा नहीं हो सकता, छोटे छोटे बच्चे ने और उन्हां दी हुण जिंदगी किवें अगे निकलनी है ये हुण सरकारां ते डिपेंड करदा, क्योंकि जवान का जो फर्ज सी वह अपना अदा कर चुकया, शहादत देश के दे नाम जी दे चुकया, हुण अगे सरकारां दा फर्ज बनता है कि उन्होंने परिवार की जी सार ले जाए। कैमरा परसन मोनू दे नाल राहुल काला, जगबाणी टीवी बुलाता।